गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग। चलो आज तुमको सुनाते हैं स्टोरी, ठीक है? ठीक है। आज स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है द थर्स्टी क्रो। थर्स्टी क्रो मतलब प्यासा कौवा। प्यासा कौवा है, उसी के ऊपर पूरा स्टोरी बना है, ठीक है? अच्छा, चलो आगे देखते हैं, ठीक है? ठीक है। वन हॉट डे, गर्मियों का दिन था। क्रो वाज वेरी थर्स्टी। गर्मियों का दिन था, एक कौवा है ना, देखो दिखाई दे रहा, कौवा बहुत प्यासा था। ही लुक्ड फॉर वाटर हेयर एंड देयर। वो पानी यहाँ वहाँ देख रहा था, बट कुड नॉट फाइंड इट, पर उसको पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है? तो क्या होता है आगे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद, काफी देर तक यहाँ वहाँ देखा तो उसके बाद ही सा अ पॉट, उसे एक मटका दिखता है, ओके? बट देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर, बट मटका जो है ना उसमें बहुत थोड़ा पानी रहता है। इन इट एंड द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर। पानी बहुत नीचे रहता है तो कौवा उसमें पानी में पहुंच नहीं पाता है, ठीक है? पानी एकदम थोड़ा रहता है तो पहुंच नहीं पाता, तो क्या होता है फिर, चलो आगे देखते हैं। ही थॉट ऑफ अ प्लान। कौवे को एक आइडिया आता है, एक प्लान आता है क्या करने का। ही पिक्ड अप सम स्टोन्स। वो कुछ पत्थर को उठाता है। यहाँ देखो पत्थर पड़े हुए है ना, नीचे पत्थर पड़े हुए, तो पत्थर को उठा उठा के वो वन बाई वन एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द पॉट। वो एक एक करके पत्थर को मटके में डालता है। जब पत्थर को मटके में डालता है तो पानी क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है, एकदम पानी ऊपर आ जाता है। द वॉटर केम अप टू द टॉप। पानी देखो ऊपर आ गया ना यहाँ पे, यहाँ पानी ऊपर आ गया है, तो क्या करता है, ही ड्रैंक द वाटर। वो पानी पीता है, पूरा पेट भर के पानी पीता है। एंड फ्लू अवे हैप्पीली। पानी पीने के बाद खुश जाता है और खुशी खुशी उड़ जाता है। ही वॉज अ क्लीवर क्रो। वो बहुत चालाक था, इसी वजह से पानी पीने को मिला उसको, ठीक है? चलो स्टोरी को फिर से एक बार पढ़ते हैं। वन हॉट डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। ही लुक्ड फॉर वाटर हेयर एंड देयर, बट ही कुड नॉट फाइंड इट। आफ्टर लॉन्ग टाइम He saw a pot, but there was very little water in it, and the crow could not reach the water. He thought of a plan. He picked up some stones one by one and drop them into the pot. The water came up to the top. He drank the water and flew away happily. He was a clever crow. The moral of the story से हमको क्या सीख मिलती है? Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहीं राह। थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय।